हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ दीवान स्टार में। मैं हूं आजाद कुमार। आज आप लोग के लिए लाए हैं थोड़ा सा बेसिक का सवाल। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यों भी पता है? क्या आपको पता है a प्लस बी का होल पावर 4 क्या होता है, a प्लस बी का पावर 5 क्या होता है, a प्लस बी का पावर b है यहाँ पे, a प्लस बी का पावर 6 क्या होता है। इसी प्रकार से a प्लस बी का पावर 7 रहेगा, 8 रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसका कैसे बनाएंगे? देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? इसका होता है ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। देखिए, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। क्या इसको पता है a प्लस बी को पावर 4 क्या होता है? कोई पूछेगा तो क्या बनाए, तो a प्लस बी को पावर 5 क्या होता है, a प्लस बी को पावर 6 क्या होता है। सिस्टम से इसको बनाएंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीका से बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, तो जैसे स्क्वायर रहता है इसमें 3 ठो पद होता है, 1, 2, 3 को पद हो गया, यदि एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसमें 3 है, एक ज्यादा, 1, 2, 3, 4 को हो गया। यदि 4 है तो 5 को टर्म बनेगा, और 5 है तो 6 को बनेगा, और 6 है तो 7 को। ये तो समझ गए ना। अब देखिए, शुरू शुरू में जैसे स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर होता है, यहाँ पर 3 है तो 1 पावर 3 होता है, यदि यहाँ पर 4 है तो 1 पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक बार ध्यान से आप देखिए, ए का जो मान होता है, ए का जो पावर होता है, इसका जो घात होता है, इसका घटता है, इधर जाता है तो घटता है। बी का क्या होता है, बी का बढ़ता। थोड़ा सा इसको देखिए समझने के लिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी पावर 0। एक है तो नहीं लिख सकते हैं, अरे नहीं, उसको एक से गुना करिएगा, अभी पावर 0 का मान 1 नहीं होता है। तब अब देखिए यहाँ पर क्या, इसको दो को ऐसे छोड़ रहे हैं, आपको सजा रहे हैं इसको, ए पावर 1 बी पावर 1, यानी 2 का पावर घट गया, बी का पावर बढ़ गया, प्लस ए पावर 0 बी पावर 2। ए पावर 0 कैसे हो गया, अरे एक से गुना करेंगे, एक का जो ए पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए, ए का जो पावर है घट गया और बी का पावर बढ़ गया, इसमें भी देखिए ए पावर 3 हो गया, ए का स्क्वायर ए हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये 0 बचा। अब बी का देखिए, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। तो इसी प्रकार से लिखिएगा, ये जो गुणांक है इसको भी लिखने के लिए बताएंगे, इसको भी लिखने के लिए बताएंगे, ए पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए, ये 3 कैसे आया, गुणांक कैसे, ये सवाल को यदि आप समझ लीजिएगा ना, तो सब बन जाएगा, समझे। सबसे पहले देखिए, इसको सजा देते हैं, ए पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पावर 0, इस रूप से सजाते हैं, प्लस ए पावर 3 बी पावर 1, क्या हो जाएगा, ए पावर 3 बी पावर 1, गुणन के लिए जगह छोड़ देते हैं, प्लस ए पावर 3 हमको क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पावर 2, एक बढ़ रहा है, इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए, प्लस गुणन के लिए जगह है, अब देखिए एक का मान घटेगा ना, एक हो जाएगा, अब बी का मान बी पावर 3 हो जाएगा ना, बी पावर 3 हो जाएगा, गुणन के लिए जगह छोड़िएगा, देखिए ए बी पावर 3 प्लस, अब देखिए ए पावर 0 बी पावर, ये तो समझ रहे, इससे का ये सवाल है। देखिए ए पावर 4 बी पावर 0 तो एक होता है, इसको लिख भी सकते नहीं, यहाँ पर क्या कर लेगा, ये गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इसका जो पीछे का ए का पावर 4 है, इसका जो ए पावर जो है उसका, उसको गुणा करेंगे, यानी क्या 4 है तो 4 लिखेंगे कहीं पे, गुणा का चिन्ह देंगे, इसका पीछे का गुणांक है कितना, कुछ तो एक तो है, तो एक लिखेंगे,
बट्टे में क्या जाकर पद लिखा हुआ रहेगा, ये इसका ना लिख रहे हैं, इससे पीछे कितना पद लिखा गया है अभी तक ने, सिर्फ एक, तो एक लिख दीजिएगा। समझ रहे हैं क्या किए, देखिए फिर से समझिए, इधर क्या है ना उससे हमको का मतलब है, इसका निकालना, किसका इसका निकालना, इसको झांक दिए, देखिए इसको बंद कर दिए, ए पर पावर कितना, ए पर बी पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ ए पर, ए का मान पावर जितना है तो लिख दिए, और इसके पीछे में कितना गुणांक है, गुणांक कितना है उसको एक एक लिख दिए, क्या पद अभी तक लिखा गया है एक ही ना, एक लिख दिए, तो चार में से गुणा करेंगे, चार एक से भागा देंगे तो चार एन होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा, समझ गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पर क्या, अब आपको क्या बोले थे, इसके पीछे में, इसके पीछे तो ये है, इसके पीछे ये ना है, इसके पीछे अब देखिए ए पर पावर कितना है तो तीन लिखेंगे, इसका गुणांक कितना है चार, तो चार से गुणा करेंगे, अभी तक में कितना पद लिखा गया है एक पद दो पद, तो दो से भागा दे तो दो दूनी चार तीन दूनी छ, यहाँ पर क्या हो जाएगा छ, समझ में आया कैसे छ आया। अब देखिए इसको लिखना है इससे जस्ट पीछे, इन्हें जो शुरू में चला है ऐसा कोई बात ना, इससे जस्ट पीछे इसका जो है एक का पावर कितना है तो दो, इसका गुणांक कितना है छ नजर आता है तो छ, बट क्या का पद हो गया है एक दो तीन, तो तीन से भागा करिएगा तो तीन दूनी छ, दो में दो से गुना करिएगा तो क्या चार, तो चार, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, अब देखिए इसका लिखना है, इसका कैसे लिखेगा, इसके पीछे ए पर पावर क्या है एक, तो एक गुना, इसका गुना कितना चार, तो चार, अभी तक में कितना पद हो गया, अभी तक में एक दो तीन चार, ये तो निकालना चार हो गया तो चार से भागा दीजिएगा क्या एक, तो चार में चार से भागा था क्या होगा ना एक हो जाएगा, समझे, इसको लिखेगा कैसे ए पर पावर फोर, इसका तो जीरो हो जाए एक हो जाएगा ना, एक से गुना करेगा तो वही होगा प्लस चार ए पर पावर तीन बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस चार ए बी पर पावर तीन प्लस ये गुना में है क्या हो जाएगा, ये तो क्या एक ही होगा, एक में से गुना करेंगे एक ही होगा बी पर पावर फोर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, समझे, ए पर पावर ए प्लस बी पर पावर फाइव कैसे होगा बताइए, तो देखिए ए पर पावर फाइव ही होगा ना, अब डायरेक्ट बनाते हैं ए पर पावर फाइव और बी पर पावर जीरो होगा ना, प्लस का चिन्ह देंगे, गुणांक को साथ लेते थे, गुणांक को बताए थे जैसे दूसरा नंबर का गुणांक लिखेंगे तो इससे पीछे में एक का जो पावर है उसको ध्यान देंगे, क्या है पांच है तो पांच गुना नहीं कुछ, तो पीछे में एक हमेशा रहता है यहाँ पे, एक से गुना करेंगे बटा में कितना क्या का पद है अभी तक में लिखा गया एक ना, एक से भागा दीजिए तो पांच में एक से गुना करेंगे तो पांच भागा देंगे एक से क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा, पांच हो जाएगा गुणा, अब देखिए एक का पावर क्या हो गया फोर हो गया, एक घट जाएगा बी का पावर एक बढ़ जाएगा, अरे एक का पावर घटाएंगे बी का पावर बढ़ाएंगे प्लस, अब इसका गुणा में कैसे लिखिएगा, अब लिखेंगे पांच, देखिए इससे पीछे एक का पावर कितना है तो चार गुना एक चार हो गया, इसका गुणांक कितना है तो पांच, बटन में क्या हो जाएगा क्या को हो गया अभी तक में दो गो हो गया तो दो देंगे दो से भागा करेंगे तो क्या पांच दूनी दस, अरे दस तो हो गया, इसका कैसे लिखेंगे ए पर पावर तीन बी का एक बढ़ जाएगा, अरे चार तुमने से घटा दिया बी में तो बी में एक बढ़ा दिया प्लस, अब देखिए इसका लिखना इससे पीछे गुना ए पर पावर कितना है तो तीन गुना, इसका गुना की कितना है तो दस, बटे में क्या हो जाएगा एक दो तीन, तो तीन से भागा करिएगा तो दस दस, अब ये कैसे लिखेंगे एक का मान एक घटाएंगे तो तीन है तो क्या हो जाएगा दो, अब बी का मान एक बढ़ाएंगे दो है तो तीन हो जाएगा प्लस, कितना पद होगा छह का पद होगा, एक दो तीन चार एक हुआ दो हर निकालना है, अब क्या बोले थे यहाँ पे देखिए एक का पावर दो है तो दो लिखेंगे, इसका गुणांक दस है तो दस लिखेंगे, बटे करेंगे बटे में क्या को हो गया एक दो तीन चार,
चार से भागा देंगे दो दूनी चार दो पंच दस यानी पांच हो जाएगा। पांच ए पर पावर एक घटेगा और बी पर पावर एक बढ़ेगा। प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए इसका निकालना है लास्ट का, तो लास्ट में क्या पावर एक है तो एक लिखेंगे बटन गुना क्या पांच गुना कितना है तो पांच बटन करेंगे क्या हो गया एक दो तीन चार पांच और पांच से भागा करें तो भागा करिएगा तो एक हो जाएगा एक बी पर पावर फाइव ए पर पावर जीरो हो जाएगा बी पर पावर एक बढ़ जाएगा। अब देखिए इसको लिख दीजिए एक से गुना करेंगे वही होगा ए पर पावर पांच प्लस ये तो बी पर पावर जीरो का मान एक होता है एक में पूरा गुना करिएगा तो वही होगा फाइव ए पर पावर फोर बी प्लस दस ए पर पावर थ्री बी पर पावर टू प्लस दस ए टू बी थ्री प्लस फाइव ए बी पर पावर फोर प्लस बी फाइव। अब देखिए इसको बनाइए तो आप लोग बना सकते हैं बना लीजिएगा वैसे बना देते हैं। देखिए ए पर पावर क्या हो जाएगा सिक्स प्लस इसका पावर कितना है तो छ गुणन एक बट्टा एगो पद लिखा तो छ ए पर पावर क्या हो जाएगा एक घट जाएगा फाइव बी पर पावर वन वन या लिख सकते हैं इसको लिखिए नहीं भी लिख सकते। अब देखिए इसका मान तीसरा पद कैसे निकालिएगा तो ए पर पावर कितना है तो पांच गुना छ बट्टा क्या दो दो हो गया है ना तो दो दो तिया छ पांच में तीन से गुना करेंगे तो पांच तिया पंद्रह गुना तो पंद्रह है बीच वाला कैसे आएगा तो एक ए पर पावर पांच है तो एक घटाइएगा तो क्या होगा ए पर पावर फोर हो जाएगा। बी में एक बढ़ाएंगे तो दो ना होगा प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर क्या करिएगा यहाँ पे अब देखिए पावर चार है तो चार लिखेंगे इसके लिए निकाल रहे हैं अगले के लिए चार है तो चार पंद्रह से गुना करेंगे क्या हो गया एक दो तीन तीन से भागा करिएगा तो तीन पांच पंद्रह पांच बीस ए पर पावर चार है तो तीन हो जाएगा बी पर पावर दो है तो तीन हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस माइनस वाले भी बताएंगे पहले प्लस वाले सीखते हैं। अब इसका क्या लिखेंगे ए पर पावर तीन है तो तीन लिखेंगे बीस से गुना करेंगे बट क्या हो गया एक दो तीन चार तो चार से भागा करिएगा चार पंच बीस पांच तीन पंद्रह पंद्रह हो जाएगा। अब बताइए ए पर पावर क्या अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर दो ना हो जाएगा दो बी पर पावर फोर हो जाएगा। देखिए आगे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो अब इसका जो टर्म निकालते हैं तो पावर ए पर ए का मान कितना अरे चार पर ध्यान में देंगे बी का क्या है ना उसका मतलब नहीं सिर्फ ए पर ध्यान देंगे दो गुना पंद्रह बटे क्या हो गया एक दो तीन चार पांच तो पांच से भागा पांच तीन पंद्रह तीन दूनी छ छ हो जाएगा। अब देखिए ए पर पावर वन बी पर पावर फाइव इसको वन लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा यहाँ पे ए पर पावर एक है तो एक गुना छ गुना करेंगे छ भागा क्या को कितना टर्म हो गया एक दो तीन चार पांच छ छ से भागा कर देंगे एक आ गया एक में गुना करेंगे किससे बी पर पावर सिक्स सिक्स होगा कहिएगा सर ए का मान कहाँ चल गया तो ए पर पावर जीरो हो जाएगा ए पर पावर जीरो का मान एक होगा एक होता है या आप इसी को लिख सकते हैं ए पर पावर सिक्स प्लस सिक्स ए फाइव बी प्लस पंद्रह ए पर पावर फोर बी स्क्वायर प्लस बीस ए पर पावर थ्री बी पर पावर थ्री प्लस पंद्रह ए स्क्वायर बी पर पावर फोर प्लस सिक्स ए बी पर पावर फाइव प्लस बी सिक्स पावर बी पर पावर सिक्स। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे माइनस वाले दूसरे वीडियो में आप लोग को समझा देंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।